जय हिंद दोस्तों, दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कालियाम फिटनेस में। और दोस्तों कई दोस्तों के मैसेज आते हैं, फोन आते हैं कि भैया वर्कआउट की वीडियो आप चैनल पर डालो, कि वर्कआउट की वीडियो नहीं डालते, हमें वर्कआउट के बारे में पता चला कैसे, क्या हम गलत करते हैं क्या सही करते हैं, जिससे हम आपकी वीडियो को देख कर वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम वर्कआउट के बारे में बताएंगे, आज हम शोल्डर के वर्कआउट के बारे में बताएंगे। हमारे साथ में देव हमारे स्टूडेंट हैं और देव को लगभग एक डेढ़ साल से ऊपर हो गया वर्कआउट करते हो, अच्छे इनको रिजल्ट मिल रहे हैं, आप देख रहे हो बॉडी। देव की पहले भी आपने वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों आज हम बताएंगे शोल्डर के वर्कआउट के बारे में। शोल्डर के वर्कआउट के दो शेड्यूल आपको हम बताएंगे कि ज़्यादातर दोस्त क्या करते हैं, एक ही शेड्यूल फॉलो करते रहते हैं और उनका साइज फिर गेन नहीं हो पाता, उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो हम दो शेड्यूल बताएंगे, एक महीना आप एक शेड्यूल फॉलो करना और एक महीना दूसरा शेड्यूल फॉलो करना, ठीक है। और किसी को कोई भी भाई को डाउट हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो कि भैया मुझे ये एक्सरसाइज पूछनी है, इसका मुझे डाउट है, या हम जो कर रहे हैं उसके बारे में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो शुरू करते हैं और देव आपको करके दिखाएंगे, मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है। दोस्तों पहली एक्सरसाइज हमारी होगी बारबेल शोल्डर प्रेस, और इसमें ग्रिप का ध्यान रखना है। ग्रिप हमारी नॉर्मल होगी, ना ज़्यादा वाइड ना ज़्यादा क्लोज, यानी कि कंधे की दूरी के बराबर। और जब आप बारबेल को डाउन लेके आते हो थोड़ा स्लो डाउन लेके आना है और अपनी चिन तक टच करना है, उसके बाद में ऊपर पूरा प्रेस करना है। इसमें मुख्य मसल हमारी प्रभावित होगी एंटीरियर डेल्टॉइड यानी फ्रंट डेल्टॉइड। दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी डंबल साइड लैटरलाइज, इसमें ध्यान रखना है जब आप डंबल को ऊपर उठाते हो तो डंबल शोल्डर की सीध तक या उससे थोड़ा सा ऊपर तक लेके जाना है, और जब आप डाउन लेके आते हो तो स्लो डाउन लेके आना है। इसमें हमारी कोहनी थोड़ी सी मुड़ी होंगी और इसमें हमारी मुख्य मसल प्रभावित होगी मिडिल डेल्टॉइड और कुछ हद तक ट्रेपेजियस। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल अपराइट रोविंग, और इसमें ध्यान रखना है जब हम बारबेल को ऊपर लेके जाएंगे तो इसको बारबेल को हम चिन यानी ठोड़ी की सीध तक लेके जाएंगे और एल्बो हमारी शोल्डर की ऊंचाई से ऊपर यानी कि कान की सीध तक जाएगी। और जब हम बारबेल को नीचे लेके आएंगे थोड़ा स्लो लेके आएंगे, और दोस्तों इसमें हमारी मुख्य मसल टारगेट होगी यानी कि इसमें हमारी मुख्य मसल प्रभावित होगी ट्रेपेजियस और कुछ हद तक रियल डेल्टॉइड यानी कि पोस्टेरियर डेल्टॉइड। और दोस्तों चौथे नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे रिवर्स फ्लाई। जब आप चेस्ट के लिए फ्लाई करते हो तो आपका मुंह सामने की तरफ होता है, और जब आप पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए यानी कि बैक डेल्टॉइड के लिए फ्लाई करते हो तो आपका मुंह मशीन की तरफ होता है। तो आपका मुंह मशीन की तरफ होगा और आप ये रिवर्स फ्लाई करेंगे, इसमें आप हमारी मुख्य मसल प्रभावित होंगी पोस्टीरियर डेल्टॉइड और कुछ हद तक ट्रेपेजियस। और दोस्तों पांचवें नंबर की एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल श्रग्स, और इसमें ध्यान रखना है जब आप बारबेल को ऊपर उठाते हो तो अपने ट्रैप को पूरे टाइट करें और एक सेकंड के लिए होल्ड करें और स्लो डाउन करें। इसमें आपकी ग्रिप शोल्डर की दूरी के बराबर रहेगी या आप थोड़ी वाइड भी रख सकते हो। और दोस्तों विशेष ध्यान हमें रखना है अपनी एल्बो यानी कोहनी का, कोहनी हमारी सीधी रहेगी और इस एक्सरसाइज में मुख्य मसल हमारी प्रभावित होगी ट्रेपेजियस। और यदि आप चाहो तो इस एक्सरसाइज को डंबल से भी आप कर सकते हो इस तरह से। तो दोस्तों ये था शेड्यूल फर्स्ट, अब हम आपको करके दिखाएंगे शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड में देखना अब हम यहाँ चेंज करेंगे, तो एक महीना आप एक फॉलो करो और एक महीना वो शेड्यूल फॉलो करना, तो देखना चलो। और दोस्तों शेड्यूल सेकंड की पहली एक्सरसाइज हमारी होगी डंबल शोल्डर प्रेस, और इसमें फ़र्क ये होगा कि पहले शेड्यूल में हमने बारबेल से की और इसमें हम डंबल से करेंगे, लेकिन आपको पहले दिन में ही फ़र्क दिखाई दे जाएगा कि एक्सरसाइज चेंज करने के आपको कितने फ़ायदे मिले हैं। और दोस्तों इसमें ध्यान रखना है जब हम डंबल को नीचे लेके आएंगे तो हमारी एल्बो हमारी शोल्डर की सीध तक आएगी, उससे ज़्यादा डाउन नहीं जाएगी, और जब हम डंबल को ऊपर उठाएंगे तो पूरा ऊपर तक प्रेस करेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारी मुख्य मसल प्रभावित होगी एंटीरियर यानी के फ्रंट डेल्टॉइड। और इसी एक्सरसाइज को आप किसी चीज़ का सहारा लेकर सिंगल हैंड से भी कर सकते हो। और दोस्तों दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल साइड लैटरलाइज, और ये एक्सरसाइज होती है पोस्टीरियर डेल्टॉइड के लिए या फिर रियर डेल्टॉइड के लिए।
और इसमें हमारी बॉडी ज़्यादा नहीं हिलेगी, किसी किसी की बॉडी इसमें ज़्यादा हिलती है, तो आप किसी बेंच या किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेकर भी इसको कर सकते हो। और दोस्तों इसमें हमारी मुख्य मसल प्रभावित होती है, पोस्टेरियर डेल्टोइड और कुछ हद तक ट्रेपेजियस। और दोस्तों तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे डंबल फ्रंट राइज। इसमें ध्यान रखना है जब हम डंबल को ऊपर उठाएंगे तो शोल्डर की ऊंचाई तक या उससे थोड़ा और ऊपर तक उठाएंगे और कोशिश करेंगे एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे और स्लो डाउन करेंगे। और दोस्तों इस एक्सरसाइज में हमारी मुख्य मसल प्रभावित होगी एंटीरियर डेल्टोइड और ट्रापेजियस। और दोस्तों इसी एक्सरसाइज में कभी कभी आप परिवर्तन करके भी डंबल को खड़ा करके यानी कि डंबल को हैमर टाइप करके भी इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो। और दोस्तों चौथे नंबर की एक्सरसाइज अब हम करेंगे डंबल साइड लैटरलाइज। पहले शेड्यूल में भी हमने ये किया लेकिन पहले शेड्यूल में हमने दोनों हाथों से किया, बोथ हैंड से किया, और इसमें हम सिंगल हैंड से करेंगे। और दोस्तों इसमें मैंने आपको बताया था इसमें हमारी मसल ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होगी मिडिल डेल्टोइड और ट्रेपेजियस। इसी एक्सरसाइज को आप केबल में भी कर सकते हो और इसी एक्सरसाइज को आप ऐसे किसी चीज़ का सहारा लेकर डंबल की और बॉडी को झुकाकर ऐसे भी कर सकते हो। दोस्तों एक ही एक्सरसाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, ये देखना आपको है कि आपको कैसे करना है और कैसे करने से आपकी मसल ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित होती है, आपकी सेल्स मसल सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा उत्तेजित होती हैं। और दोस्तों पांचवी और लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे बारबेल सर्कल्स, और ये हम करेंगे बैक साइड से। पिछली बार हमने किया था फ्रंट से और आप इनको डंबल से भी कर सकते हो लेकिन इस बार हम इस शेड्यूल में करेंगे बैक से, और इसमें मुख्य मसल हमारी प्रभावित होगी ट्रेपेजियस। और दोस्तों यदि हम सेट और रैप की बात करें तो कम से कम 3 सेट आपको ज़रूर करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या 5 भी कर सकते हो। और रेपिटेशन की अगर हम बात करें तो यदि आपको साइज गेन करना है तो आप कम रैप लें और हैवी वेट यूज़ करें, और यदि आपको फैट लॉस करना है तो आप ज़्यादा रैप निकालें और लाइट वेट यूज़ करें। तो दोस्तों सेट और रैप आप अपनी बॉडी की रिक्वायर के हिसाब से रख सकते हो। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि वर्कआउट की हम और भी वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा शोल्डर का वर्कआउट जिसके हमने 2 शेड्यूल आपको बताए। आशा करते हैं आपको पसंद आएगा और अगर आप इसको फॉलो करते हो आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और जिसने ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद जय भारत।